पूरा देश जानता है कि हामिद अंसारी साहब कभी कोई जन नेता नहीं रहे। मुस्लिम समाज के स्पोक्स पर्सन कब बन गए, किसने बना दिया? देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, उसके बाद से ही देश की राजनीति गर्म हो गई। उन्होंने पहले भी बयान दिया था वंदे मातरम के गानों पर भी, जिस तरीके से वंदे मातरम के नारों पर भी उन्होंने कहा था, उसको लेकर सैयद शाहनवाज हुसैन जो बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं उन्होंने पलटवार किया है और सीधे तौर पर कहा कि एक बड़े कुर्सी पर उन्हें देश ने बैठाया, उपराष्ट्रपति बनाया, और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कई बातें उनके खिलाफ जिस तरीके से सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस देश ने हिंदू राष्ट्र में कई हिंदू दोस्त बनाए और एक ऐसा नेता दिया प्रधानमंत्री जैसा, देश ने कई ऐसे चीज़ें दी है, उसके बावजूद भी जो है पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने इस तरह के बयान देना गैर जिम्मेदाराना। और क्या कुछ कहा है सैयद शाहनवाज हुसैन ने, जरा उनके बयान पर पलटवार करते हुए वो पहले हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने एक उच्च मर्यादा जब पद से हटने के बाद भी कोई व्यक्ति निभाता है उस मर्यादा को तोड़ने का काम किया। पूरा देश जानता है कि हामिद अंसारी साहब कभी कोई जन नेता नहीं रहे और उनको जिस तरह किसी समाज की अंदर उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, वो मुस्लिम समाज के स्पोक्स पर्सन कब बन गए, किसने बना दिया? इस देश में भारत के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर माइनॉरिटीज के लोग भी समझते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, तो वो भारत में समझते हैं। आज भारत में कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस बात को हर भारतीय को प्रचारित करने की जरूरत थी। उसके अलावा जो एक पद पर बैठा व्यक्ति, जब उनको मालूम है कि जो अमेरिकी मुस्लिम परिषद है वो भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार करता है, पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, ऐसे भारत को बदनाम करने वाले ठेकेदारों के साथ बैठकर भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने पूरे भारतीयों के दिल पर एक चोट मारा है। हम दुखी हैं इस बात से कि इस बड़े पद पर जाने के बाद भी उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। ये देश 130 करोड़ हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, एक हैं, इकट्ठे हैं, और दुनिया की कोई ताकत हमारी एकजुटता और हमारे इकट्ठेपन को अलग नहीं कर सकती। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से हामिद अंसारी जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे उन्होंने भी कई बार इस बातें को सवाल उठाए थे, जिसको लेकर सैयद शाहनवाज हुसैन ने, और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ इस तरह के बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान कहीं से भी उचित नहीं है। तो तमाम बातें हमने आपके सैयद शाहनवाज हुसैन के सुनाए कि किस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान पर पलटवार किया है उन्होंने। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर्ज न्यूज़ के साथ और देखते रहें दर्ज न्यूज़।